أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليوفوا نذورهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين और चाहिए कि लोग अपनी नजरों को पूरा करें। सदक अल्लाहु मौलाना अलअजीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से काबतुल्लाह शरीफ को तामीर करने का उन्वान कायम फरमाया था और फिर ये हुक्म के ए इब्राहिम खलीलुल्लाह आप लोगों को हज करने की तरफ बुलाएं। आपने अर्ज किया कि ए मेरे अल्लाह ताला यहां तो लोग हैं ही नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप ऐलान कर दें, हम लोगों तक पहुंचा देंगे। रूहों तक फिर अल्लाह ताला ने पैगाम पहुंचा दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐलान पहुंचा दिया, तो फिर लोग हज करने के लिए कशां कशां और उमरा करने के लिए कशां कशां हरम मक्का पहुंचते हैं। हज के मुतालिक बास अहकाम का जिक्र किया गया। दरमियान में यह जुमला इरशाद हुआ कि जब हज खत्म होने लगता है यानी एहराम जब खुलता है, टीम जब हो जाती है, तो उसके फौरन बाद फिर जाहिर है कि नहाना धोना होता है, मट्टी वट्टी मैल कुचैल खत्म करना होता है। तो आखिरी जुमला कुरानी हकीम ने कहा सुम्मल यक्दू तफसहुम, फिर लोग अपना मैल कुचैल दूर कर दें और अपने आप को साफ सुथरा कर लें। साथ ही ये जुमला जोड़ दिया और अपनी नजरों को पूरा करें। वलयूफू नुजूरहुम पर दो तरीके से हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये कि हज के अहकाम चल रहे थे तो दरमियान में एक ये जुमला सिर्फ के अपनी नजरों को पूरा करें और उसके बाद फिर देखो तो हज ही के अहकाम यानी वलयतवफू बिल बैतिल अतीक, टिंड करवा दें, अपने मैल कुचैल धो लें, साफ सुथरे हो जाएं, तो फिर तवाफ करने के लिए जाएं, तवाफ करें खाना काबा शरीफ का। पहले भी हज के अहकाम, दरमियान बाद में भी हज के अहकाम, लेकिन दरमियान में एक जुमला बोला है कि लोग अपनी नजरें पूरी करें। अब नजरों के पूरे करने का हज के साथ क्या कोई ताल्लुक बनता है? जो इस जुमले को, इस उनवान को और इस हुक्म को हज के चैप्टर के साथ रब्बे कायनात ने जोड़ा, एक तो हमने ये बात जाननी है। हज एक अलग दर्जे की इबादत है, नजर पूरा करना एक अलग दर्जे का उन्वान है, तो इन दोनों को जो इकट्ठा करके, बल्कि इकट्ठा भी ऐसा, पहले भी हज की बातें, बाद में भी हज की बातें, दरमियान में नजर का उन्वान इकट्ठा भी ऐसे किया, तो इनका क्या ताल्लुक बनता है? और उसके बाद फिर नजर के मुतालिक कुछ अबहास हैं जो हमने सीखने की कोशिश करनी है। मेरा ख्याल यह है कि एक हदीसे शरीफ काफी हो जाएगी जो कि अनकरीब नजर की अबहास में और मन्नत की अबहास में भी पड़ी जाएगी, लेकिन यहां उसका बयान कर देना काफी और शाफी हो जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, काफी सारे अस्हाब ऐसे थे। अहादीस में बास का जिक्र आया, उन्होंने सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने अपनी बहन के मुतालिक सवाल किया था और किसी ने अपनी वालिदा माजिदा के मुतालिक सवाल किया था। अनकरीब हम देखेंगे कि किसने बहन के मुतालिक सवाल किया और किस सहाबी ने अपनी वालिदा माजिदा के मुतालिक सवाल किया। सवाल यह था कि या रसूल अल्लाह, हमारी वालिदा या हमारी बहन, ये दो अलग अलग उनवान और अलग अलग सहाबा और अलग अलग किस्से हैं, तो उन्होंने नजर मानी थी हज करने की, तो अब वो फौत हो गए हैं तो हज कर नहीं सके, तो हुजूर इस सिलसिले में क्या रहनुमाई है, क्या हम उनकी तरफ से हज कर दें या क्या है? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उन पर कर्ज होता तो क्या तुम अदा करने की कोशिश करते या ना करते? कहा हुजूर करते, तो कहा नजर अल्लाह का कर्जा होता है,
अगर लोगों का कर्जा अदा करने के लिए तुम कोशिश करते तो नजर अल्लाह का कर्जा होता है, तो इसे भी अदा करो। तो लिहाजा फिर उन सहाबा ने जिन्होंने सवाल किया था अपनी बहन की तरफ से या फिर अपनी वालिदा माजिदा की तरफ से हज किया, तो आपको समझ आ गई कि नजर में बाज औकात बंदा नजर मानता है मैं नमाज पढ़ूंगा, नजर मानता है मैं माल सदका करूंगा, नजर मानता है मैं ये काम करूंगा, नजर मानता है मैं वो काम करूंगा, तो करते करते ये भी नजर है बाकायदा कि मैं हज करूंगा। जैसे कि मैंने अभी हदीस के अल्फाज आपको बताए, मैं हज करूंगा, लिहाजा हज का नजर के साथ और नजर का हज के साथ लिंक बनता तो है, राबता बनता तो है। लिहाजा इतना कहना ही मेरे लिए काफी है कि इस जुमले का बड़े चलने वाले उनवान के साथ आखिर क्या ताल्लुक है। ताल्लुक तो है, हर इबादत के साथ ताल्लुक है। नजर के जरिए जो जो इबादत हो सकती है तो उस हर इबादत के साथ नजर का और मन्नत का ताल्लुक है, लिहाजा हम ये बात जान सके कि रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया सुम्मल यकदू तफसहुम, फिर लोग अपनी मैल कुचैल दूर कर दें, वलयूफू नुदूरहुम, और अपनी नजरों को पूरा करें। इसके बाद मैंने गुज़श्ता नशिस्त में अर्ज किया था कि आइंदा आने वाली नशिस्त यानी आज की नशिस्त में हम नजरों के मुतालिक कुछ अहकाम शरीयत जानने की कोशिश करेंगे। कितनी को अभास हैं जो मैं करना चाहूंगा, बहस नंबर एक ये बताऊंगा कि नजर किसे कहते हैं। नजर का दूसरा नाम हमारे मजहब में मन्नत भी है। मैंने मन्नत यानी लोगों के अल्फाज, मैंने मन्नत मानी हुई थी, कोई कहता है मैंने मन्नत मांगी हुई थी, मांगी हुई थी या मानी हुई थी, यह मन्नत पब्लिक के यहां यह लफ्ज चलता है, मैंने मन्नत मानी है। अच्छा जी, कुरान पाक का जो लफ्ज है इस सिलसिले में वो लफ्ज मन्नत नहीं बल्कि नजर है, वलयूफू नुज़ूरहुम, नून ज़ाल रे, वलयूफू नुज़ूरहुम कुरान हकीम का लफ्ज नजर है। हमारे यहां नजर भी चलता है और लफ्ज मन्नत भी चलता है। जितनी ज्यादा आप तवज्जो लगा सकें तो मैं कहूंगा कि थोड़ी सी उससे भी ज्यादा लगाएं। हमारे माहौल में बहुत सारी खराबियां हैं, उन खराबियों को हमने जानना है ताकि खत्म कर सकें, और फिर उन खामियों और खराबियों के मुकाबले में हमारे मजहब की जो तालीमात हैं उन्हें भी हमने जानना है ताकि उन्हें हम इख्तियार कर सकें। बहुत मरतबा ऐसा हो चुका है कि हमारा जो अनपढ़ तबका होता है, मजहब से दूर रहने वाला जो तबका होता है जिसे हम अपने लैंग्वेज में जाहिल भी कह देते हैं, तो वह कुछ ना कुछ ऐसे खराफात करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं। वो गलतियां अनपढ़ और जाहिल लोगों की होती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उठाकर हमारे मसलक पर चिस्पा कर देते हैं। ये सुन्नियों का मसलक ही ऐसा है, अहले सुन्नत हैं ही ऐसे, ये बरेलवी तबका है ही ऐसा। जी ऐसा नहीं है। इन सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि गौर से सुने, अब अनकरीब शामत आ रही है अहले सुन्नत के इन हलकों की जो गलतियां करते हैं और उसके बाद हमारे मसलक को खराब करते हैं, उनकी वजह से हमारे मसलक पर उंगलियां उठती हैं। यह गलतियां इंशाअल्लाह अजीज वक्त पर बयान करूंगा। एक बहस यह होगी कि मन्नत और नजर होती क्या है। एक बहस यह है कि मन्नत की अफजल तरीन किस्म कौन सी है, यूं मन्नत मांगनी चाहिए, यूं नजर करनी चाहिए, वो सबसे अफजल क्या तरीका है नजर मानने का या नजर करने का। फिर उसके बाद नंबर दो पर आ जाओ तो फिर इस ये नजर बनती है, फिर इसका मकाम बनता है, फिर ये दर्जा बनता है, सबसे ऊपर वाला दर्जा नजर का। फिर उसके बाद एक और नीचे आ जाओ तो फिर ये दर्जा मन्नत का और नजर का, और कुछ दर्जे ऐसे भी हैं जो मकरूह हैं, वो नजर उस तरीके से हो जाती है लेकिन शरीयत में इंतहाई नापसंदीदा। नजर के कुछ दर्जे ऐसे भी हैं जो हराम है नहीं करने। आप यूं कह सकते हैं कि पब्लिक जब नजर मानती है तो शरीयत कहती है तेरी नजर ठीक है, अफजल तरीन नजर है, जो तूने नजर मानी है ये ठीक पर ये अफजल नहीं है, जो तूने नजर मानी है ये तो मकरूह है, जो तूने नजर मानी है ये तो हराम है। यानी जो नजरें हमारे यहां चलती हैं, मन्नतें नजरें चलती हैं, तो उनके दर्जे हैं, पता जो नहीं होता कि कैसे नजर करनी है कैसे नजर नहीं करनी है, तो फिर वो कर देते हैं लोग, बोल देते हैं तो फिर उसे निभाने की कोशिश भी करते हैं। तो एक बात हमने ये जाननी है कि नजर किसे कहते हैं, एक बात हमने ये जाननी है कि नजर के दर्जे क्या है। यानी ये एक आसान जुमला हो गया, अफजल तरीन नजर, फिर उसके बाद वाला दर्जा नजर का, फिर उसके बाद नापसंदीदा दर्जा नजर का, यह दूसरी बहस हो जाएगी हमारे सामने। जो तीसरी बहस है वो आज नहीं करूंगा,
वो मुझे लगता है कि मुझे अगली नशिस्त फिर दरकार होगी। इस मकसद को निभाने के लिए मुझे लगता है ऐसा है कि अगली नशिस्त मुझे फिर दरकार होगी। जो तीसरी बहस है वो है भी थोड़ी सी मुश्किल, उसमें पेचीदगी है थोड़ी सी, तो वो तब तक समझ नहीं आएगी जब तक मैं बहस नंबर चार नहीं कर लूंगा आपके लिए। बहस नंबर चार के अंदर हम मुसलसल रिवायात सीखेंगे, हम अहादीस शरीफा मुताला करेंगे कि किस तरह की नजर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सामने जब पेश की गई तो आपने कहा ठीक है कैरी ऑन, किस तरह की नजर थी हुजूर के सामने पेश की गई तो आपने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है, किस तरह की नजर ऐसी थी जिस पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खुद तोड़ने का हुक्म दिया तोड़ दो इस नजर को, किस तरह की नजर थी कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उसे खिराज इज्जत पेश किया खिराज तहसीन पेश किया। तो जब मैं ये रिवायात और ये अहादीस शरीफा आपको सुना चुकूंगा तो फिर आपका जहन आइंदा ये सीखने के लिए तैयार हो जाएगा कि नजर का बाब हदीसों से जो हमें समझ आया है वो कुछ यूं समझ आया है कि कुछ नजरें जायज होती हैं कुछ नाजायज होती हैं, हुजूर ने जायजों को भी बयान किया नाजायजों को भी बयान किया, कुछ नजरें ममनू होती हैं, यानी ये चीजें जब हदीसें आप सुन चुकोगे तो फिर अगली बार जब मैं इनको बाकायदा निचोड़ और रस और नतीजे के तौर पर बयान करूंगा तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हमारे दिल खोल देगा। तो सबसे पहले कि नजर क्या होती है, मन्नत या फिर नजर ये क्या होती है। अल्लामा रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि किसी वाकया की वजह से कोई शख्स अपने ऊपर कोई इबादत वाजिब कर ले लाजिम कर ले हालांकि अल्लाह ने वो इबादत उस पर लाजिम नहीं की थी, वो खुद से ही अपने ऊपर लाजिम कर ले किसी बात की वजह से किसी वाकया की वजह से, तो ये नजर है। ये अल्लामा रागिब अस्फहानी के अल्फाज हैं। इसको मैं जरा और आसान करूं और फिकही कुतब से निकालकर अगर आपके सामने रखूं तो कुछ यूं कहना चाहूंगा कि नजर यह होती है कि जो इबादत हम पर अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने लाजिम नहीं की ना तो हम किसी ना किसी वजह से अपने ऊपर खुद ही लाजिम कर लें, ऐसी तमाम इबादत को नजर के जरिए जो इबादत बनती है वो कहा जाता है, इन्हें नजर कहा जाता है। मैं एक मिसाल कहता हूं इस तारीफ को समझाने के लिए ताकि आपका दिल पुख्ता हो। पांच नमाजें अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज कर दी, छठी नमाज भीतर है जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया हम पढ़ते हैं, ये नमाजें अलग करते हैं। आज ईशा की नमाज मैं भी पढ़ चुका हूं आप भी पढ़ चुके हैं तो मैं आपके सामने चले नजर मानता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये है और फिर मैं उसको पूरा करूंगा। रब्बे कायनात ने कहा पूरा करना, उसे हुक्म है कि वल यूफू नुजूरहुम, जो नजर मानी है उसे पूरा करें। मैं नजर मानने लगा हूं, मैं नजर ये मानने लगा हूं कि अन करीब अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक अदा फरमाई है कि इदारा तालीमात इस्लामिया में दौरा तफसीर शुरू होने वाला है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मुझ पर। ए अल्लाह मैं इस शुक्रिया के तौर पर अपने ऊपर लाजिम करता हूं कि मैं दो रकत नमाज अदा करूंगा। ये मैंने अब नजर मान ली, ये है तरीका नजर मानने का और ये है तारीफ जो हमने सीखी। तो जो दो रकात मैंने आप अभी आपके सामने बोले और अब मुझ पर लाजिम हो गए, रब्बे कायनात ने कहा जो है जो कहा पूरा करो, लाजिम हो गए। अब ये मुझ पर अल्लाह ताला ने लाजिम नहीं किए थे थोड़ी देर पहले, अब से एक मिनट पहले ये अल्फाज मैंने मुंह से अदा नहीं किए थे तो मुझ पर शरीयत में इन दो रकातों का पढ़ना लाजिम नहीं था, कोई सी भी दो रकातें लाजिम नहीं था, मैं बिल्कुल फारिग था, पांच नमाजें छठी भीतर बस बात खत्म थी। लेकिन अब जब मैंने यह कह दिया एक खास वाकया की वजह से, मैंने इस वाकया की वजह से इस बात को समझाने के लिए पूरा प्रैक्टिकल तौर पर आपको बताया एक खास वाकया की वजह से, अभी काम हुआ नहीं लेकिन अल्लाह की रहमत के आसार नजर आ रहे हैं, या अगर मैं दौरा तफसीर पढ़ा चुकता तो फिर मैं कहता कि ऐ अल्लाह ताला तूने बहुत बड़ी नेमत दी है मुझे तो मैं नजर मानने लगा हूं कि दो रकातें अदा करूंगा शुक्रिया के तौर पर, पढ़ा चुकता तो फिर बाद में कहता, तो पढ़ाने से पहले कहा या पढ़ाने के बाद में कहा। आप महसूस कर रहे हैं कि एक वाकया की वजह से एक मामले की वजह से एक उन्वान है जिसकी वजह से गैर लाजिम इबादत को मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। जो इस तरह के सबक होते हैं उनका समझना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल इसलिए होता है कि वो टोटल तवज्जो ही तवज्जो ही तवज्जो ही तवज्जो लगानी पड़ जाती है,
इस तरह की आभास वैसे भी दरसे कुरान में चल सकती हैं, दौरा तफसीर में नहीं चलती। दौरा तफसीर में तो हमने वो अल्लाह ताला की रहमत एकदम से बहुत सारी समेटने की कोशिश करनी है, तेज आगे और आगे और आगे, वो इंशाल्लाह वहां बताऊंगा हमारा तरीका कार पढ़ने का क्या होगा। तो दरसे कुरान में चले अच्छा टाइम होता है, हम एक नशिस्त में काफी सारी बातें सीख सकते हैं। तो भाई अभी तक जो कुछ मैंने आपसे कहा वो ये है, नजर किसे कहते हैं, किसी बात की वजह से, किसी वाकया की वजह से एक इबादत अल्लाह ने हम पर लाजिम नहीं की थी, हमने खुद ही अपने ऊपर लाजिम कर ली, तो यह नजर है कोई इबादत, यह नजर है और यह मन्नत है गैर लाजिम इबादत को अपने ऊपर लाजिम कर लेना। तारीफ पूरी हो गई, इसे कहते हैं नजर। मैं अगला स्टेप आपके सामने भरने लगा हूं, नजर की अफजल तरीन किस्म कौन है और फिर उसके बाद जिस नजर का दर्जा आता है यानी वो अफजल नहीं है, जायज है लेकिन अफजल नहीं है, वो कौन सी है। मैं आपके सामने दोनों जुमले बोलकर बताता हूं। जो आप में चल रहा है उसे मैं पहले बोल देता हूं, जो अफजल नहीं उसे मैं पहले बोलता हूं ताकि उसकी रोशनी में हम कुछ अगला कदम उठा सकें। हमारे यहां ये चलता है, ऐ अल्लाह ताला मेरी वालदा बीमार है, अगर कहीं ये शिफा पा जाए मैं एक बकरा दूंगा। ऐ मेरे अल्लाह ताला मेरा बच्चा बीमार है, अगर ये शिफा पा जाए तो जो आप बोलते हो मैं गुरड़ा शरीफ हाजिरी दूंगा। ये नजर है या नहीं ये बहस अलग है, लेकिन जो आपके यहां जुमले चलते हैं मैं वो आपको सुना रहा हूं। तो ऐ मेरे अल्लाह ताला ऐसा है कि मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा कहीं, अगर तू कर्म कर दे तो मेरी बेटी का रिश्ता तय हो जाए तो मैं 6 दिन के रोजे रखूंगा, 1 महीने के रोजे रखूंगा। तो देखा आपने नजर मानी हमने, लेकिन इस नजर को हमने यूं देखा कि अगर मेरा काम होगा तो फिर माना समझ आ गया, अल्लाह इबादत करूंगा 6 रोजे रखूंगा पर मेरा काम होगा तो फिर, ऐसे ही नहीं महसूस आपको हो गया यार ये क्या, मेरा काम होगा तो फिर तेरी इबादत करूंगा वगरना नहीं। ये है वो दर्जा जो कि अफजल नहीं है, है नजर जायज है लेकिन ये दर्जा अफजल नहीं है क्योंकि इसमें इबादत को आपने अपनी गरज के साथ जोड़ा हुआ, गरज पूरी होगी तो इबादत कर दूंगा नहीं तो फिर ना से। हमारे यहां ये चीज है और मजहब में ऐसा ही है, जवाब यही है, मेरा यह काम हो गया तो मैं नमाज पढ़ दूंगा 2 रकातें जो मैंने मानी है जो लोग करते हैं, तो अगर ना काम हुआ तो फिर नहीं करूंगा मैं भी। ये है नजर का एक दर्जा और ये अफजल नहीं है। नजर का अफजल दर्जा क्या है, अल्लाह करे कि हम उधर आए। और ये जो मैंने अभी अभी कहा कि ये नजर का दर्जा अफजल नहीं है, अनकरीब मैं इसमें हदीस के अल्फाज आपको सुनाऊंगा तो यकीन जानो कि मेरे और आपके हम सब के कान खुल जाएंगे, अल्लाह अकबर कान खुल जाएंगे। आप भी वो हदीस शायद पहली बार सुनोगे कि रसूल पाक अलैहि सलाम ने इस तरह की नजरों के हवाले से क्या जुमले इरशाद फरमाए हैं, कान खुल जाएंगे आप लोगों के। मैं इंशाल्लाह वहां पहुंचूंगा अल्लाह की तौफीक से। तो नजर का यह दर्जा अफजल नहीं है, जायज है लेकिन चंगा नहीं है। मेरा काम होगा तो यह काम कर दूंगा, मेरा बच्चा पास होगा तो मैं बकरा दूंगा, मेरी मां ठीक होगी तो मैं फलाना अच्छा काम करूंगा 6 रोजे रखूंगा। नजर का अफजल तरीन तरीका कौन सा है, यह है क्या, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मां शिफा पाए या ना पाए लेकिन मैं तुझे खुश करने के लिए 6 रोजे रखूंगा। ये मैं यानी मैं तेरी इबादत करूंगा पर मेरी गरज इसके पीछे तू है, तू खुश हो जा बस। काम करने से पहले ही कह देना ऐ मेरे अल्लाह मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूं, जैसे मैंने कहा दौरा तफसीर पढ़ाने जा रहा हूं, तो ऐ मेरे अल्लाह तेरी तौफीक हुई है, मेरा दिल ठंडा हुआ है, तूने तौफीक दी है, अल्लाह अकबर 2 रकातें पढ़ूंगा। तो ये अफजल तरीन तरीका हुआ, नंबर 1 अफजल तरीन तरीका, इसी की तस्वीर नंबर 2। या मैंने दौरा तफसीर पढ़ा लिया तो आज मैं कह रहा हूं ऐ अल्लाह तूने दौरा तफसीर पढ़ाने की तौफीक मुझे दे दी, मैं अब तुझे खुश करने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए तेरा मैं 2 रकातें अपने ऊपर लाजिम करता हूं तो मैं पढ़ने लगा हूं अल्लाह अकबर। तो अगर मैंने पहले काम करने से नजर लगा ली तो इसमें भी मेरी कोई गरज नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि काम होगा तो पढ़ूंगा वगरना नहीं, मैंने कहा मौला मैं पढ़ूंगा, और या फिर काम हो चुका तो मैंने कहा मौला तूने इतनी करम नवाजी कर दी, मेरी मां शिफा याब हो गई, मेरा फलाना काम हो गया, मेरी मुश्किल आसान हो गई, अब मैं अपने ऊपर नजर मानने लगा हूं रब मैं इतने रोजे रखूंगा, तो ये बतौर शुक्रिया के
हमने अल्लाह ताला की बंदगी अपने ऊपर लाजिम कर ली, बात को समेटना चाहिए। अगर हमने यूं कहा, फिर सारी बहस समेटने लगा हूं, अगर हमने यूं कहा ए अल्लाह अगर मेरा फलाना काम हो गया तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजे रखूंगा, इतना माल सदका करूंगा, ये नजर है, जायज है, लेकिन अफजल नहीं, क्योंकि इसमें इबादत को हमारी गरज के साथ हमने जोड़ दिया। अच्छा, अगर मैंने यूं कहा कि ऐ मेरे अल्लाह ताला तूने मुझ पर करम नवाजी की है, फलानी नेमत अता फरमाई है, मैं बहुत खुश हूं, मौला मेरा दिल चाह रहा है कि तेरे सामने सर फेंकूं सजदे के लिए, मैं नजर मानता हूं कि दो रकत अदा करूंगा, ये अफजल तरीन नजर है, इसमें इबादत हुई लेकिन किसी गरज की वजह से नहीं, शुक्रिया के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तो ये हो गया अफजल तरीन दर्जा। और जो नीचे आ जाओ तो मैंने कहा कि ये उसके बाद दर्जा अफजल नहीं। एक और दर्जा है जो हमारे माहौल में अनपढ़ तबके के यहां पाया जाता है, एक अनपढ़ होना और फिर उसके बाद अपने आप को मर्द कलंदर समझना, वरीय कामिल समझना और फिर पता नहीं क्या से क्या करना, ये बड़ा वबाल जान है। मजहब ने यही कहा कि ये बड़ा वबाल जान है। सुनो, मैं जुमला बोल के बताता हूं। नजर बनेगी या नहीं बनेगी, अब मैं मानने नहीं लगा कि मुझ पर वो लाजिम हो, मैं किसी की बतौर हिकायत कि लोग इस तरह का जुमला अगर बोलें तो मैं आपको बताने लगा हूं। है अल्लाह ताला, मैंने जमीन के अंदर खुदाई करके तो एक कमरा तैयार किया है, तो मैं ना उसमें 3 महीनों के लिए पैक हो जाऊंगा, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना नमाज पढ़ना टोटल उधर, ना कमाई करने जाऊंगा, ना बच्चों के पास आऊंगा, ना बीवी के पास आऊंगा, ना रिश्तेदारों को मिलने जाऊंगा, मैं बस 24 घंटे उधर ही रहूंगा। आप कहते होगे कि ये जमीन में खुदाई करके क्यों? इसलिए कि ये तस्वीर मेरे सामने है, एक जगह ऐसा होता है, मैं वो जमीन के अंदर खोद कर तो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, तो महीने दो के लिए मैं उसमें पैक हो जाऊं, तो ये बड़ी मुशक्कत वाली जिंदगी है। तो ऐसी है इबादत की नजर, लेकिन इसमें शदीद दर्जे की मुशक्कत आ गई। इन लफ्जों पर गौर करें, शदीद दर्जे की मुशक्कत आ गई। ऐ अल्लाह आज मैं ना, मेरी जुल्फे लंबी लंबी हो, मैं रस्सी के साथ धागे के साथ अपनी जुल्फों को बांध कर छत के साथ लगा दूंगा ताकि नींद आए तो मैं जाग जाऊं। आज मैंने खड़े होकर वो भी एक पांव पर 19 सिपारे पढ़ने हैं। कुरान पढ़ना इबादत है, नजर है, लेकिन बिला वजह की मुशक्कत अपने ऊपर लाजिम कर ली, जिसमें मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बाल बांध कर ऊपर जनाब बंदे को नींद आ जाती है, फिर वो एक टांग पर चकरा कर बंदा गिर जाए तो सट लग जाए, 100 मामला आते हैं इस तरह के। तो इस तरह की, जिसे आप चुपता हुआ लफ्ज बोल देता हूं, चिल्ले कशियां। मैं कब्रिस्तान में जाकर तो 40 रातें ये काम करूंगा, अंधेरे में बैठकर सुबह तड़के तहज्जुद के टाइम, जो पढ़ना है तो अल्लाह ने मस्जिदें नहीं बनाई, इधर आना, कब्रिस्तान में क्या ढूंढने जा रहा है? बिना वजह मुशक्कत में डालना, जैसे कि अब जो बात मुझे समझानी है, बकायदा जब ये उनवान आएगा गलत नजरें तो मैं फिर से बोलूंगा, लेकिन जैसे कि कोई बंदा लाहौर से बोले कि मैं जनाब गोड़ा शरीफ हाजिर हूंगा पर नंगे पांव और पैदल चलकर, खुदा के बंदे क्यों अपने आप को मारता है? यह कोई खराजी तासीन नहीं है, ये काबिल इज्जत काम नहीं किया आपने, कोई काबिल इज्जत नजर नहीं मानी, मजहब आपको थपकियां नहीं दे रहा। तो जो इस तरह की नजरें हैं जिनमें होती अंदर खाते इबादत ही है, लेकिन शदीद किस्म की मुशक्कत बंदा अपने ऊपर लागू कर लेता है, जो इस तरह की नजरें होती हैं ये मकरूह होती हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को नापसंद होती है, अल्लाह ताला को नापसंद होती है, मजहब इन्हें रिजेक्ट करता है कि ऐसा ना करना। अनकरीब हदीसें हम जब पढ़ेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। तो लो मेरे भाई, मैंने आपके सामने, अच्छा, हराम नजरें एक और दर्जा भी है, हराम नजर का मैं आपके सामने बोलने लगा हूं, अपने लिए नहीं, मकसद को समझाने के लिए, कि बंदा नजर मान ले मैं शराब पीऊंगा, कि बंदा नजर मान ले, और उसके बाद क्या, आप तो पीसा नजर मानेंगे, आप तो पीऊंगा, मैंने नजर मानी हुई है, ये हराम नजर है और इसे नहीं पूरा करना चाहिए। फिर इसका हुक्म क्या है वो अन करीब हम जान लेंगे। तो आज अभी तक हमारा जो वक्त इस्तेमाल हुआ,
ये उनवान चूंकि मुझे पता है कि माहौल में ये उनवान अच्छाइयों से भी भरा हुआ है, आलूदगियों से भी भरा हुआ है, इसलिए मैं देखो अल्लाह ताला जानता है कि इस वक्त मैं अंदर से कितने कर्ब में हूं कि अल्लाह लोगों को तू ही इनके दिल खोल दे। मैं इनको बात बता रहा हूं, तू ही इनके दिल खोल। कई बातों में इनके जो अमली नजरियात हैं और मेरे बताए हुए मजहब के मामलात इनमें क्लैश होगा। ऐ मेरे मौला, उस मौका पर ये अपने आप को गिराएं, मजहब को ना गिराएं। मेरे अंदर के कर्ब मेरे अल्लाह ताला को पता है कि ये क्या मैं कह रहा हूं। अभी तक हमने ये जाना है कि नजर क्या होती है। किसी बात की वजह से गैर लाजिम इबादत को अपने ऊपर लाजिम कर लेना, बात खत्म। सबसे अफजल तरीन नजर यह है कि बंदा कुछ इबादत अपने ऊपर लाजिम करे पर साथ अपनी गरज ना जोड़े। फिर उसके बाद दर्जा यह है कि बंदा अपने ऊपर कोई इबादत लाजिम करे लेकिन साथ कोई गरज जोड़ दे, मेरा फलाना काम होगा तो मैं ऐसे करूंगा। फिर उसके बाद मकरूह किस्म की नजर यह है इबादत ही पर बंदा अपने आप को शदीद मुशक्कत का निशाना बना डाले। पूरा कुरान पढ़ूंगा एक पैर पर खड़े होकर पढ़ूंगा, ये मुशक्कत शदीद इसमें आई। और चौथी किस्म का दर्जा मैंने कहा हराम किस्म की नजरें हैं, हर वो नजर जिसमें बंदा किसी गुनाह की बात की नजर मानता है, गुनाह की बात की नजर। मैंने नजर मान लिया कि मैं दादा साहब के गल्ले से पैसे चोरी करूंगा। आपको बता रहा हूं गलत चीज है, अब गलत बताऊंगा तो फिर कुछ आपको बात खुलेगी ना। मैं नजर मानी है कि मैं हाज मस्जिद के गल्ले से पैसे निकालूंगा, कोई बंदा ये नजर मान ले। मैंने नजर मानी है कि भाई को जलील करके छोड़ूंगा, ये हराम नजरें हैं। गुनाह की नजर हराम दर्जे की नजर होती है। ये चार चीजें और पिछली मिलाकर कुल पांच चीजें मैंने आपकी खिदमत में अभी तक बयान कर दी। अब मेरा ख्याल है कि हम मीठी मीठी हदीसें सुनते हैं ताकि इस नशिस्त में जो मैंने कहा था कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हदीसें सुने ताकि ये नजरियात हमारे क्लियर हों और अगली नशिस्त में हम नताइज देखें कि गुज़श्ता जमाने में सुनी हुई हदीसों से हमने क्या सीखा। अब मैं आपके सामने वो बोलने लगा हूं। सबसे पहले बहस यह कि नजर का पूरा करना वाजिब है, फर्ज नहीं वाजिब है। यानी आपको कि सुन्नत है तो वाजिब सुन्नत से भी ऊपर वाला दर्जा होता है। नजर का पूरा करना मुस्तहब है, जी नहीं मुस्तहब नहीं वाजिब है। नजर पूरी करनी जायज है, जी सिर्फ जायज नहीं वाजिब दर्जे का जायज है। नजर पूरा करना फर्ज है, हाँ जी फर्ज वो नहीं के बल्कि फर्ज है भी, कुरान पाक से बाहर कैफ साबित है तो फर्ज है भी, यानी फर्ज अमली है और वाजिब भी। इसे जो वाजिब और फर्ज अमली ये एक ही शय होती है। तो नजर का पूरा करना लाजिम है, वाजिब है, सुन्नत से ऊपर है, मुस्तहब से ऊपर है, मुबाह से ऊपर है, यानी आजम तरीन काम है, इसे पूरा करना चाहिए। जैसे कसम पूरी करनी लाजिम है ऐसे ही नजर का पूरा करना लाजिम है। इस पर दलील हमारे पास अल्लाह ताला का ये कौल मुबारक जो आज तिलावत हुआ, वाले यूफू नुज़ूरहुम, लोगों को चाहिए कि अपनी नजरें पूरी किया करें। फुकहा ने सब के सब ने लिख दिया, हनफियों शाफियों मालिकियों हम्बलियों ने सब ने कहा कि ये अमर का सीगा है, अमर गायब का सीगा है और अमर गायब के अंदर और अमर हाजिर के अंदर वजूब साबित होता है। अल अमरु लिल वजूबी ए लिल लुजूमी, तो लिहाजा नजर का पूरा करना वाजिब है। और इसमें एक और हदीस पाक में इसी वाजिब है को बयान करने के लिए ऐड करने लगा हूं। हजरत इमरान इब्ने हुसैन हसीन रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे कर्न में हैं, मेरे जमाने में हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनके बाद जिनका जमाना जुड़ा हुआ है वो बेहतरीन है, फिर उनके बाद जिनका जमाना जुड़ा हुआ है वो बेहतरीन है, फिर उनके बाद जिनका जमाना जुड़ा हुआ है वो बेहतरीन है। फिर उसके बाद फरमाया कि उसके बाद एक ऐसी कौम आ जाएगी, जुमले सुने, ये लोग बेहतरीन हैं तो उनके बाद एक ऐसी कौम आएगी जो नजरें पूरी नहीं करेगी, तो समझ आ गई कि वो बेहतरीन नहीं है। बेहतरीन वो है जो नजरें पूरी करेंगे। तो मैं यहां से वजह इस्तदलाल तो आपको नहीं बताता कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब डांटते हैं या आपके अल्फाज में जब शिद्दत महसूस होती है तो शिद्दत से क्या 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 साबित होता है, क्या सुन्नत मुअक्कदा साबित होती है या वजूब साबित होता है। यहां चूंकि कुरान पाक की आयत भी हमारे सामने है तो यह उसी के लिए तफसील बनेगी, माना जाए कि वजूब साबित होगा। तो फरमाया कि फिर उसके बाद ऐसे लोग आएंगे जो नजरें मानेंगे लेकिन उसको पूरा नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह इस्लाम ने ये बेहतरीन लोगों के मुकाबले में जब इनको बयान किया तो माना यह हुआ कि ये अच्छे लोग नहीं होंगे।
तो उनके पास अमानतें रखवाई जाएंगी लेकिन वो अमानतदारी नहीं करेंगे बल्कि खयानत करेंगे। ये वही बात हो रही है कि उसके बाद ऐसे लोग आ जाएंगे जिनमें एक बुराई ये होगी नजरें पूरी नहीं करेंगे, जिनमें एक बुराई ये होगी अमानतों में खयानत करेंगे, और जिनमें एक बुराई ये होगी उनसे गवाही मांगी ही नहीं गई, वो बढ़ बढ़कर गवाहियां देने के लिए तैयार रहते हैं, बढ़ बढ़कर गवाहियां देने के लिए तैयार रहते हैं। और एक जुमला हुजूर ने ये इरशाद फरमा दिया, होंगे वो मोटे, उनमें मोटापा आ जाएगा, वो गलत माल खा खा करके गलत काम कर करके तो उनके वजूद में मोटापा आ जाएगा। हदीस शरीफ के अल्फाज पूरे हुए इस आयत से और इस हदीस से। मैंने आपको सिर्फ ये मतलब बयान करना चाहा कि नजर का पूरा करना वाजिब है। नंबर दो उनवान जो हदीसों से हम कशीदने लगे हैं वो ये है कि जो गुनाह की नजर होती है उसे पूरा नहीं करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में ये कलाम इरशाद फरमाया, गुनाह की नजर। मैंने एक दो जुमले इस सिलसिले में पहले आपको बताए भी हैं, मैं चोरी करूंगा, मैं शराब पीऊंगा, मैं गल्ले तोड़ूंगा, मैं अपने भाई से भाई को जलील कर दूंगा, ये गुनाह है सब, जितने भी गुनाह हैं उनकी नजर को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ना पूरा करने का हुक्म दिया। ऐसी नजर पूरी नहीं करनी। हदीस के अल्फाज देखिए, हज़रत-उल-मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की इताअत की नजर मानी वो नजर पूरी करे, यानी अल्लाह की इताअत करे, और जिस बंदे ने अल्लाह की नाफरमानी की नजर मानी तो वो नाफरमानी ना करे, नजर पूरी ना करे, नजर तोड़ने का कफारा अदा करे। जैसे कसम तोड़ने का कफारा होता है, नजर तोड़ने का भी कफारा होता है। मुझे खूब याद है 3 साल पहले किसी बहन का फोन आ गया मुझे, तो पता नहीं उसके कॉलेज का मसला था, उसने कोई FSC के एग्जाम देने थे, तो अब पेपर देने के बाद जो कहो जी मैं नजर मानती हूं पास हो जाऊं, वो भाई मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अब नजरों से बंदे पास होते हैं। उसने नजर मान ली कि मैं जिंदगी भर रोजे रखूंगी, अब ये आज रखा कल रखा परसों रखा, वो चंद दिन रखा तो घबरा गई, ओ ये तो मैं कुछ गलत कह बैठी हूं, थी इबादत लेकिन बंदा कुछ देखे ना कि मैं क्या कह रहा हूं। वो जब वो 2-4 महीने या 2-4 हफ्ते रख कर घबरा गई, परेशान हो गई, कह रहा कि लामा साहब गलती हो गई है, एक मसला पूछ रहा है। मैंने कहा पहन क्या हुआ, कह मैंने कहा जिंदगी भर रोजे रखूंगी आप, ये तो मसला हो गया मेरे लिए। तो फिर उसको मैंने कहा था कि यही कहा था जो अनकरीब आने वाला है कि जो बंदा ऐसी नजर मान ले कि जो उससे पूरी ना हो सके तो फिर उसके लिए हुजूर का हुक्म कफारा अदा करे, जान छूट जाएगी। नजर का कफारा और कसम का कफारा एक ही शय होती है, यह आपकी मालूमात में इजाफा होना चाहिए। जिसने कसम उठाई निभा ना सका उसको सजा यह है कि कफारा अदा करे। ऐसे ही जिसने नजर मानी और निभा ना सका तो उसका कफारा यह है कि फिर वो कसम वाला ही कफारा है जो कि वो अदा करे। यार रुक करके मुझे जुमला बोलना है, कहीं आप बहक ना जाना। आपने नजर मानी कि मैं हज करूंगा, और नजर मानी जा सकती है, बंदे के लिए मुमकिन है हज करना। आपने नजर मानी कि मैं 1 महीने के रोजे रखूंगा, ये नजरें मुमकिनात में से हैं, ये ऐसी नहीं है कि हम कहें कि नहीं हो सकता मुझसे, अब मैं क्या करूं तो कफारा ही दे देता हूं, ऐसे नहीं, वो मखसूस किस्म के अहवाल हैं, हम सारे इंशाल्लाह बहस देखेंगे। तो आपने नंबर 2 पर जाना, नंबर 1 पर जाना कि नजर अदा करना पूरा करना वाजिब, नंबर 2 पर आपने बहस जानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मासीयत की नजरें होती हैं उनसे मना फरमाया, नाफरमानी की नजरों को पूरा करने से रोका। जैसे कि माहौल में जो उभरती हुई मिसाल फौरन आपसे कहूं, कितने नौजवान ऐसे हैं अनपढ़ जाहिल, और कितने उम्र रसीदा लोग ऐसे हैं अनपढ़ जाहिल जिन्होंने कुरान की सोबत नहीं उठाई, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सोबत नहीं उठाई, वो 6-6, 7-7, 8-8 कड़े पहन लेते हैं लोहे के, चूड़ियां लोहे की, ये क्या है? तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है। मौलाना छोड़ो, ये फकीरों का जहान और है, बातें यहां से शुरू होती है। हम तो घबराए जाते हैं, मौला ये कैसे फकीर है जो रसूलुल्लाह की नाफरमान है, हम फकीरों का जहान और है। मौलाना बस छोड़ो इस बात को, उस वक्त यकीन जानो दिल करता है कि कहीं ये मेरा स्टूडेंट होता ना, इसे बंद कमरे में कान पकड़वाकर 39 जूते मारता, 39 का भी राज है, 40 पूरे क्यों नहीं किए, वो भी हदीस में मना, ये 40 पूरे नहीं कर रहे, हदीस में तो 39 तक जा सकते हो, 40 नहीं कर सकते। तो ऐसे 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 मुलंगों और ऐसे फकीरों को यकीन जानो दिल आग लग जाती है कि ये बदनामी है मसलक की। अब जब वो ये बयान सुनेंगे उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं है, उन नलायकों की वजह से मैं रसूलुल्लाह की बातों को छोड़ दूं,
ऐसे गंदे लोगों की वजह से हुजूर की तालीमात ना बयान करूं मैं। तो छह छह चूड़े पहन लिए, कड़े पहन लिए, हमारा जहान ही और है। बात तो ठीक है वैसे, इन नाफरमानों का जहान कोई और ही है, हुजूर के फरमाबरदारों का जहान कोई और होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बताता हूं क्या जहान होता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम में जो हमारा गुलाम होगा ना, तो देखोगे तुम उसे याद अल्लाह आएगा। ये हुजूर की हदीस के अल्फाज है, ये है वाकई हुजूर। वाकई सही कहा उसने, तुम्हें देखकर गुस्सा चढ़ रहा है, ये क्या तुमने बदबख्तगी पहनी हुई है, और हुजूर के गुलाम को देखो, देखकर अल्लाह याद आता है। वो वाकई जहान और है, हम फकीरों का जहां और है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जंजीरें पहनी हुई है, जंजीरें। दादा साहब चले जाओ तो हमारे मसलक की बदनामी करने के लिए ऐसे बदमाश बैठे हुए। हमारा मसलक हरगिज ये नहीं है, अहले तरीकत का काम हरगिज ये नहीं है। जंजीरें पहनकर, वो पांव के अंदर वो भेड़ियां पहन करके, तो छह छह महीने सात साल नहाना नहीं है, बाल गंदे मैले। और वहां भी मैं देखता हूं कि दुनिया का निजाम भी क्या है, दो चार मुश्तंडे नौजवान उसके आसे पासे बैठे ही होते हैं, बाबा दुआ कर दे मेरे लिए भी, उससे भी दुआ करवा ही रहे होते हैं। अल्लाह कादिर है, दुआ कबूल कर ले, पर आप इन्हें समझते हो कि यह पहुंची हुई सरकार है। यह पहुंची हुई सरकार नहीं, ये जूते खाने वाली सरकार, ये बात याद रखो। और डरा ना करो, बुजदिल सुनियो, डर जाते हो, यह बाबा है पता नहीं क्या कर देगा, कुछ भी नहीं कर देगा, क्या कर देगा, कुछ भी नहीं कर देगा, डरा ना करो। डरने के लिए क्या अल्लाह की जात काफी नहीं है तुम्हें? मैं तो इस बार हैरान हूं, डरने के लिए अल्लाह काफी नहीं है? रब्बे का ऐलान इस बात को बयान, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो हमसे डरने वाले होते हैं उन्हें हम दो मरतबा जन्नत अता फरमाएं। बाबे से डरते हो तुम्हारा एक काम भी नहीं कर सकता, जो इसलिए करना लायक बाबा होता है, और उससे बड़े नालायक आप होते हो, बाबा कर उधर ही जाते हो। अच्छा मेरे भाई, ये तलख बातें, मजबूरी है मेरी, क्या करूं, माहौल में गंद भरा हुआ है। तो नाफरमानी और मासीयत की नजर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, नहीं ये कोई नजर नहीं है, मत पूरा करो इसे। दो बातें पूरी हो गई। नंबर तीन, अपने आप को मुशक्कत में डालने वाली नजरें, शदीद काम। आओ इसमें मैं एक दो तीन चार हदीसें लगातार आपके लिए तिलावत करने लगा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को तवाफ करते हुए देखा, तो जैसे बकरे के गले में रस्सी होती है, उसने गले में रस्सी डाली हुई है और अपने ही आप को खींच रहा है, उसने गले में रस्सी डाली हुई है और अपने ही आप को वो खींच रहा है। हुजूर अहमद आलम ने पूछा, यार ये क्या माजरा है इसका, ये क्या कर रहा है? सहाबा ने हंस किया, हुजूर इसने ना नजर मानी हुई थी कि मैं तवाफ करूंगा पर गले में रस्सी डालकर, मैं पकड़ के लाओ मेरे पास इसे। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम उसे पास बुलाया और रस्सी खींच कर तोड़ी, टूटने के लायक होगी तो तोड़ी, काटी और गले से फेंकी। मैं चल तवाफ कर, रस्सी डालकर तवाफ कर रहा है। हुजूर तो उस्ताद हैं, नबी हैं, रसूल हैं, लहजे में जलाल आ रहे तो आपका ऐन हक पहुंचता है। आपने महसूस किया कि मुशक्कत में तवाफ कर, ये गले में रस्सी डालने का मतलब क्या हुआ? इससे भी अजीब अल्फाज सुन ले हदीस शरीफ के, इससे भी अजीब तर वाकया, और इसे नकल किया है हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। और जब मैं ये हदीस के अल्फाज आपको सुनाना चाहूंगा तो जरा तैयार रहें, एक बात भी आपसे करनी है मुझे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो आपकी नजर मुबारक पड़ी तो वो सामने एक बंदा खड़ा है और धूप में खड़ा है, गर्मी है, धूप में कौन खड़ा होता है, खड़ा है और धूप में खड़ा है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, यार ये धूप में क्यों खड़ा है, क्या माजरा है? हम भी कोई ओपरी शहर देखे पूछते तो है ना, यार ये क्या माजरा है, इस बंदे से पूछो ना क्या मामला इसका हुआ, हम इंसान हैं, हम भी ऐसे करते हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने देखा गर्मी है, शिद्दत है और ये धूप में खड़ा है, ये क्या माजरा है इसका? सहाबा ने कहा, हुजूर इसने चार बातें कही थी, एक इसने नजर ये मानी थी कि ये खड़ा रहेगा और बैठेगा नहीं, और दूसरी नजर इसने यह मानी थी कि यह साए में नहीं जाएगा बल्कि धूप में रहेगा, तीसरी नजर इसने मानी थी, तवज्जो करो, तीसरी नजर इसने मानी थी कि यह बात नहीं करेगा किसी से, चुप रहेगा। खड़क तो गए आप लोग, जिस माहौल में आप रहते हो ना, खड़क तो गए, ये बाबा जी ने चुप का रोजा रखा हुआ था, खड़क तो गए। अच्छा जी, इसने नजर मानी थी मैं बात नहीं करूंगा, और चौथी बात हुजूर इसने ये नजर मानी थी कि मैं रोजा रखूंगा। सुनिए, फिर धूप में खड़ा रहूंगा मुशक्कत, साए में नहीं जाऊंगा मुशक्कत, खड़ा रहूंगा
बैठूंगा नहीं, मुशक्कत, बात नहीं करूंगा। और यार ये बात बंदा ना करे, बड़ी तकलीफ है, बड़ी मुशक्कत है, इसमें बड़ी मुशक्कत है, ये चुप रहना सौखा तो नहीं होता। मैं अपने घर में बच्चों को जो सबसे सख्त सजा देता हूं वो क्या है, इस कॉर्नर पर मुंह उस तरफ करके चुप करके बैठ जाओ। बच्चे कहते हैं, वो रोने पड़ जाते, ये तो बड़ी सख्त सजा हो गई। चुप करके बैठ जाना ये सख्त सजा है। हजारों बातें बंदे ने करनी है, पानी दे, फलाना काम कर दे, रोटी ला बेगम। बल्कि जो ऐसे लोग हैं तो ये शादी कैसे करते हैं, इन्हें तो बोलना नहीं होता। शादी में इजाब कबूल होता है तो फिर ये क्या करते हैं? उमर साहब कलमे पढ़ाते होंगे, ये कलमे कैसे पढ़ते होंगे, मैं तो इस बात पर हैरान हूं। ये तो चुप है तो नमाज के अंदर पढ़ते क्या होंगे फिर, ये बड़े मामलात हैं। तो चुप जो है खतरनाक है। सब्जी कैसे खरीदते होंगे, बाजार से आटा कैसे लाएंगे, परेड काम कैसे करेंगे, हजारों काम गए ना, तो चुप रहना भाई, बार्गेनिंग कैसे करेंगे, दुकानदार है तो बेचेगा कैसे, क्या कहेगा, ये कितने की है, क्या बोलेगा, मामला डिस्टर्ब है। ये चुप रहना बड़ी मुशक्कत है, तीन बातें। और चौथी बात, आप दवाई लेने जा रहे हो तो जाके मेडिकल स्टोर पर क्या बताओगे, क्या क्या वो आपको क्या देगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चुप रहना वबाले जान है, चुप रहना अफजल है, वैसे जैसे सरकार ने फरमाया। और वो क्या है, लगे हाथों सुन लो, मेरे हुजूर ने फरमाया कि गलत बात अगर आ गई है तो वो ना करना, गलत बात करने से चुप रहना। और वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए। या फिर जैसे कि ये बात के मन कहना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि जब भी बात करे अच्छी करे, बगैर ना चुप रहे। ये चुप रहना ये तो सुन्नत शरीफा है, सब सिहाबा ऐसा किया करते थे। लेकिन टोटली चुप कर जाना, पैक कर देना अपने आप को, शदीद मुशक्कत है। अच्छा तो मोहतरम, ये तीसरी बात थी। और चौथी बात थी कि रोजा रखूंगा। हुजूर इसने ये चार नजरें मानी हुई हैं। हुजूर का जवाब सुने, फतवा है, हदीस है, सरकार का बयान है, कौल मुबारक है। आपने फरमाया इसे कहो रोजा पूरा करे, वो ठीक है। जो इसने कहा ना कि मैं छांव में नहीं जाऊंगा, इसे कहो चल छांव में। जो इसने ये कहा ना कि मैं खड़ा रहूंगा नहीं बैठूंगा, इसे कहो चल बैठ। और जो इसने ये कहा ना मैं बातें नहीं करूंगा, इसे जाकर कहो कि मैं कहता हूं बात कर। मना समझ आ गया कि अपने आप को शदीद मुशक्कत में डालने वाली नजरें रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तुड़वाई, चल खत्म कर इसे। तिर्मिज़ी शरीफ पढ़ रहे थे, मैंने पहले भी आपको बताया, तिर्मिज़ी शरीफ पढ़ रहे थे, मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास, पूरी क्लास बैठी हुई है, हजरत अलामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहेब, तो उन्वान कर रहा था कि विलायत इताअत का नतीजा होती है, होता अल्लाह का फजल है, लेकिन जब तक इताअत ना करो विलायत मिलती नहीं। बहस ये चल रही थी हदीस पाक में, तो मैंने कहा हम स्टूडेंट होते हैं ना, हमें खुली छुट्टी थी, और मेरे पास भी तलबा को खुली छुट्टी होती है, जो दिल है पूछो बोलो, जब तक नहीं बोलोगे पूछोगे तो कैसे राज खुलेगा। तो मैंने कहा शाह साहब एक सवाल, कहने का क्या, मैंने कहा जी आपने अभी अभी हदीस में हमें समझाया और पढ़ाया कि बगैर रसूलुल्लाह की ताबेदारी के विलायत नहीं मिल सकती, तो वो जो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक मशहूर है कि 40 साल आप कुएं में लटके और वो भी उल्टे, ये कौन सी सुन्नत है, ये कौन सी इबादत है, ये कौन सी रियासत है, या इताअत की ये कौन सी किस्म है। आप ठंडा सा और मीठा सा हंसे, कहने लगे वो लटके नहीं थे, मुरीदों ने लटका दिया था। इसका माना क्या होता है, ये भी सुन लो, इसका माना क्या होता है, मुरीदों ने लटका दिया था, ये क्या शय होती है, ये शय होती है कि अपने हजरत की करामतें बयान करने के लिए झूठी सच्ची उल्टी सीधी बात करो, ताकि लोग हैं बड़ी गल है बावे रानी, हजरत साहब की बड़ी गल है, तो उल्टी सीधी बातें कर देना। हजरत असल हजरत को पता ही नहीं होता कि मैंने ऐसा किया भी है कि नहीं। तो शाह साहब कहने लगे कि वो लटके नहीं थे, मैंने पढ़ा है, हमारे उनके रूहानी ताल्लुकात हैं, तो वो लटके नहीं थे, मुरीदों ने लटका दिया था उन्हें। अब ये जुमला मैंने जानबूझकर फिर बोला आपके सामने कि अपने आप को मुशक्कत में डालने वाली नजरें, अपने आप को मुशक्कत में डालकर इबादत करने के उनवान रसूल पाक अलैहिस्सलाम मना फरमाते हैं। हत्ता के कुरान की सबसे आजम तरीन इबादत, मेरा सवाल है, सबसे उमदा इबादत जल्दी से आप कहोगे नमाज, ठीक है, जवाब ठीक है, लेकिन अगर यहां भी मुशक्कत आ जाए तो हदीस के अल्फाज सुनो, मैं अगर भूख लगी पहले खा लो खाना, कोई नहीं, ये ना हो कि नमाज पढ़ रहे हो तो तवज्जो बार बार नमाज की तरफ, भूख सालन की तरफ, तो मुर्गी की तरफ, तो पता नहीं वो किधर किधर, मुशक्कत है ना, भूख शदीद लगी हो तो नमाज, नहीं नहीं पहले खाना खा लो,
कुरान हकीम रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया कि कुरान तब तक पढ़ो जब तक दिल में रग़बत बाकी रहे, जब रग़बत खत्म हो जाए तो रुक जाओ, आराम करो, उसके बाद फिर कुरान हकीम पढ़ लेना। सरकार का दिया वदीद ऐसा है। मेरे भाई नाराज ना हो, अपनी इसलाह करो, अपनी मजालिस के जाविये तब्दील करो। शरीयत को बाबों पर मत तोलो, बाबों को शरीयत में तोलो। यानी यूं मत करो कि अगर तो शरीयत हमारे हजरत के मुताबिक है फिर तो ठीक है, और अगर शरीयत हमारे हजरत के मुताबिक नहीं है तो हजरत के करने में कोई राज है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। शरीयत को झुटला देना और हजरत की उस बदअमली में राज ढूंढना यह बदबख्तगी है। बाबा जी को शरीयत में तोलो, हजरत का यह काम हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग हुजूर के ताबेदार हैं, और अगर काम हुजूर की ताबेदारी वाला नहीं है तो कहो हुजूर ठीक है बाबा जी गलत हैं। ये मेरे भाई ये अहले सुन्नत का ये मजहब। आपको तो शायद क्योंकि एक जमाना हो गया कुरान पाक की मजलिस में आते हुए, आप शायद तस्लीम कर लो, लेकिन मस्जिद से बाहर जाकर ये बातें जब बाहर जाएंगी तो आप ही मुझे आकर बताते उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। इन्होंने मेरा हिसाब थोड़ा लेना है, हिसाब अल्लाह ने लेना है क़यामत वाले दिन। जजाएं मुझे इन लोगों ने थोड़ी देनी है, जजाएं मेरी अल्लाह के पास है। इसलिए ये सारे भी नाराज हो रहे हैं, मैंने बात जो कहनी थी और हदीस की रोशनी में कहनी थी कह दी। जानबूझकर इस बार रुका हूं नजर के उनवान पर, तसल्ली से करीब से इस उनवान को देखें तो सही। और जरा एक तीसरी हदीस के अल्फाज बताऊं। इब्ने अब्बास भी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक बंदा तवाफ कर रहा है ना, हाँ तवाफ कर रहा है, तो उसके साथ एक और बंदा है, तो जो पिछला बंदा है उसने अपने नाक में सुराख करके तो पतली सी रस्सी जैसे ऊंट के नाक में या जानवरों के नाक में नुकेल के तौर पर डाली जाती है, तो उसने वो डाली हुई है और अगले ने वो रस्सी पकड़ी हुई है। तो इससे पहले था उसने खुद ही अपने गले में रस्सी डाली हुई थी और खुद ही पकड़कर जा रहा था, इसने नुकेल अपने आप को डाली हुई है और आगे एक बंदा रस्सी पकड़कर जा रहा है। रसूल पाक अलैहि सलाम ने जो भी आपके पास था, कैंची थी या छुरी थी या चाकू था, जो भी था, लेकिन अल्फाज हदीस के ये हैं, कता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने वो नाक के पास से करके ना उस रस्सी को काट दी और इसका हाथ पकड़ा, कहा यहां से पकड़, अब इसको तवाफ करो। ये क्या नुकेल डाली हुई है, हाथ पकड़ाया, हाथ पकड़िए तो फिर भी बात समझ आती है कि मुशक्कत नहीं है, लेकिन नाक में नुकेल डाली हुई है और वो पकड़कर खींच रहा है, तो वो दागों की बनी हुई रस्सी भी बंदा अपने आप को डाल ले तो हुजूर कहते हैं काटो इसे, अब बताओ जंजीरों का हाल क्या होगा, बेड़ियों का हाल क्या होगा, और उसके बाद जब आप इन्हीं के पास जाओगे तो फिर आपका हाल क्या होगा, यह भी आप साथ सोचे आपका हाल फिर क्या होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तीन हदीसें मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दी, एक चौथी हदीस के अल्फाज हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, अगर इत्तिफाक ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं कि पहले भी इब्ने अब्बास, दूसरी भी इब्ने अब्बास, तीसरी भी, कोई बात नहीं, 5,000 हदीसें सहाबा ने नकल फरमाई, अभी तो सिर्फ तीसरी आई है। ये जो मुसनद होती है, मुसनद, ये मुसनद क्या होती है, जैसे सही बुखारी, सुनन इब्ने माजा, तिर्मिज़ी शरीफ, जामे, सही मसानीद, मुअजमात, ये हदीसों के जो मजमू हैं, मैं कभी इंशाल्लाह बयान करूंगा कि हदीस का किस तरह का मजमुआ हो तो उसे मुसनद कहते हैं, किस तरह का मजमुआ हो तो उसे जामे कहते हैं, किस तरह का मजमुआ हो तो उसे सही कहते हैं, किस तरह का मजमुआ हो तो उसे सुनन कहते हैं, किस तरह का मजमुआ हो हदीस का, हदीसें इकट्ठी होती है बुक्स में, किस तरह का मजमुआ हो तो उसे मुअजम कहते हैं, लेकिन आज मुसनद किधर से बात आ गई, तो मैं कहने लगा मुसनद क्या होती है, मुसनद ऐसी हदीसों का मजमुआ होता है जिसमें एक सहाबी से जितनी हदीसें आई वो सारी एक जगह इकट्ठी कर दी जाए, उनवान अंदर से जौन सा मर्जी चल रहा हो, अबू हुरैरा की हदीसें एक तरफ, नमाज का उनवान, रोजे का उनवान, हज का उनवान, उनवान जो मर्जी हो, सहाबी एक, बस उसकी सारी हदीसें इकट्ठी कर दो, ऐसे हदीसों के मजमुए को मुसनद कहते हैं। तो मुसनदों के अंदर तो हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों हदीसें होती है, तो भी तीसरी है। इस पर मैंने आपकी दिलचस्पी के लिए कहा। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर पहुंची, क्या हजरत उकबा बिन आमिर की बहन ने यह नजर मान ली है कि वो हज करेगी और पैदल करेगी, औरत हज करेगी और पैदल करेगी। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं इसका तर्जमा अपनी जुबान में करूंगा, वो अरबी का लफ्ज है मुस्तगनी हो जाना, वो शायद मफहूम हमारे माहौल में एकदम खुल ना सके, तो जैसे हम नहीं कहते अल्लाह को ऐसी नमाजों की जरूरत नहीं है, माना समझ आ गया,
उस लफ्ज का तर्जमा कुछ ऐसा बनता है, अल्लाह को इस तरह के हज की क्या जरूरत है, अल्लाह बेपरवाह है इस बात से कि इस तरह का हज करे। भाई एक हज पैदल करना वो है जिसकी इब्तिदा हुजूर ने मक्का से फरमाई, मक्का से चला मीना पहुंचा तो घूम खा वापस आ गया, वो हज पैदल जो पिछली बार कहा था वो तो आजम तरीन है। यानी बंदा पाकिस्तान का हो, बंदा मिस्र का हो, जापान का हो, इंग्लैंड का हो, हिंदुस्तान का हो या दूर के इलाके का हो, अगर मैं पैदल आऊंगा, ये बात हुजूर से नजर मानी है कि मैं पैदल हज करूंगी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके इस नजर से मुस्तगनी है, उसे क्या परवाह है क्योंकि पैदल आए या सवारी पर, तो इसे कहो कि सवारी पर बैठकर जाए। तो मुशक्कत वाली चीज को रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कंडम कर दिया। मेरे हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा के ये अल्फाज याद आए कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो इस्लामिक लॉ तख्लीक फरमा रहे थे, क्यामत तक मुसलमानों को ज़ाबिता हयात दे रहे थे, तो उसमें हुजूर का बेस क्या थी, किस बुनियाद पर हुजूर कोई कानून बनाया करते थे। हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि कोई भी काम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम देखते कि इसमें ये मुशक्कत वाला पहलू है और ये आसान पहलू है, तो फिर हुजूर देखते कि मुशक्कत वाला और आसान, तो फरमाते अच्छा ये जो आसान है ना ये है उम्मत के लिए। हमेशा हुजूर ऐसा करते, ये जो आसान पहलू है ये है उम्मत के लिए। मिसाल पेश करूं, 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी सुन लो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर मुशक्कत ना होती तो मैं नमाज को रात के एक देर तक हिस्से तक मुअख्खर कर देता, इशा की नमाज को। अच्छा लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सवाक इंद कुल सला, अगर मेरी उम्मत पर मुझे मुशक्कत का डर ना होता तो मैं कहता कि हर नमाज के लिए मिसवाक किया करो, लेकिन चूंकि ये मुशक्कत में पड़ जाएगी। ये तरावीह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पूरा महीना क्यों ना अदा फरमाई, यही कि कहीं वाजिब ना हो जाए इन गरीबों पर। तो हुजूर तो ये चीज मलहूज खातिर रखा करते थे और ये इख्तियार हुजूर ही का था। अब आप कहें कि हम भी ऐसे करेंगे, जो शायद आसान होगी वो ले लेंगे बाकी छोड़ देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये इख्तियार रसूलुल्लाह का था, वो जैसे चाहते अल्लाह का हुक्म हमें सुना सकते थे, ये इख्तियार हमें नहीं है। अच्छा जी, तो जैसे कि नमाज, या रसूलुल्लाह बीमार हूं नहीं खड़ा हुआ जा रहा, मैं चल बैठ गया, बैठ तो सकते हैं ना, हुजूर नहीं बैठा भी नहीं जा रहा, कहा अच्छा चल लेट जा, ये है आसानी। या रसूलुल्लाह सफर करने जा रहा हूं, गर्मी बढ़ी है प्यास लगे, क्या रोजा छोड़ दे बाद में रख लेना। यानी हमेशा रसूल पाक अलैहिस्सलाम नरम पहलू को मलहूज खातिर रखते। तो मैंने कहा कि इसे कहो कि अल्लाह ताला इसकी नजर से मुस्तगनी है, इसे कहो सवार होकर हज करने के लिए जाए। आज की नशिस्त में मेरा ख्याल है कि मैं आखिरी बात कहता हूं, ताकि आखिरी बात, या फिर मैं जायजा लेता हूं कितना टाइम हो गया, मुझे अंदाजा नहीं हो सका, तो आखिरी बात या इससे सेकंड लास्ट बात, तो मैं आखिरी हदीस इस उनवान पर कि मुशक्कत वाली नजरें रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो 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 केस भी हुजूर के सामने आया हुजूर ने उसे खत्म किया, ना ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं आखिरी हदीस के अल्फाज, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बाप है तो इधर भी उसका बेटा और इधर भी उसका बेटा, तो कंधों पर टेक लगाई हुई है, बड़ा बेहाल हुआ हुआ है, मुश्किल से चलना हो रहा है, सहारे से चल रहा है। तस्वीर आपके सामने बन गई, जैसे बैसाखियों का सहारा, तो वैसे ही दो बेटों का सहारा, जैसे हम माजूर लोगों को इसंजा के लिए लेके जाते हैं या मसाजिद, बड़ी मुश्किल होती है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों है, दिखने में ठीक, दिखने में ठीक, इसे क्या हुआ, ये क्यों इधर भी सहारा लगाए हुए है और इधर भी सहारा लगाए हुए है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम को जवाब दिया गया, हुजूर इसने हज की नहीं, हज की नहीं, हुजूर इसने नजर मानिया कि मैं पैदल ही चलता रहूंगा, मैं पैदल ही चलता रहूंगा, इसने यह नजर मानी है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्यों अपने आप को अजाब में मुब्तला किया हुआ है, यह हदीस के अल्फाज समझो, ये अल्फाज मेरे लिए हैं, आप लोगों के लिए हैं, पूरी उम्मत के लिए हैं, ये क्या अजाब में मुब्तला किया हुआ अपने आप को, इसे कहो सवारी किया करे, कुछ नहीं होता, सवारी किया करे। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस मुशक्कत वाले काम को खत्म करने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। आज की हमारी बहस नंबर एक ये थी, नजर क्या होती है, बहस नंबर दो ये थी, नजर के दर्जे क्या हैं, अफजल दर्जा नजर मानने का, उससे कम दर्जा नजर मानने का, मकरूह दर्जा नजर मानने का, हराम दर्जा नजर मानने का। तीसरी बहस आज की नशिस्त में यह थी कि नजर को पूरा करना इसका शरीयत में क्या मकाम है, जवाब यह कि वाजिब है, लाजिम है, इसे पूरा किया जाए। चौथी बहस आज की नशिस्त में हमारी यह थी
کہ وہ نظریں جو گناہوں پر مشتمل ہوتی ہیں، نافرمانیوں پر مشتمل ہوتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری نہ کیا کرو، ختم کیا کرو، کفارہ ادا کیا کرو. اس کے بعد اگلی بحث یہ تھی کہ وہ نظریں جن میں بندہ کرتا عبادت ہی ہے لیکن اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتا ہے. تو یہ زمانہ جاہلیت میں بھی نظریں ہوا کرتی تھیں. کئی نظریں ایسی ہیں جو حضور کے سامنے جب بات ہوئی تو فرمایا حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی ہوئی تھی تو میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں. تو وہ تو پھر بعد میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اصلاح فرمائی کہ اچھا کسی کو اجازت بھی دے دی. یہی میں آپ کو بتاؤں، مختار نبی تھے نا، مختار تھے، اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا. کسی کی زمانہ جہالیت کی نظر میں روک ایسا نہ کر، اور کسی کا چل جا تو پورا کر لے. یہ وہ حدیث آپ کو بتاؤں گا کہ چل تو پورا کر لے. یہ حضور کے اختیار کے اندر باقاعدہ ایسی حدیثیں بیان کی گئیں. یہ ہماری آج کی اس سلسلے میں چوتھی بحث تھی یا پانچویں بحث تھی. تو انشاءاللہ العزیز ابھی نظر ہی کے عنوان پر بحثیں اور چلنی ہیں. ابھی تو میں نے آپ کے وہ راز کھولنے ہیں میرے بھائی، مذہب کے ترازو میں ابھی تو ہم نے اپنی خرافات اور اپنی خرابیوں کے راز چیک کرنے ہیں. میں یہ باری مارساں تے باری ہوتے چوڑ ساں تو لون ترے پیکٹ رکھ کے آساں فلانے دربار اوپر تے وہ لیرا بن ساں وہ ککروں کے اوپر ٹالیوں کے اوپر وہ تاکہ بند باندھوں گا پراندے باندھوں گا یا باندھوں گی یہ سارے گند ہیں. ابھی تو ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ یہ شریعت ہے یا گند ہے. جواب یہ کہ یہ گند ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث کا مختصر حصہ آپ کو سنا جاؤں تاکہ پورا ہفتہ آپ سوچتے رہیں. لالچ میں آ گیا ہوں، لالچ میں آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث کا حصہ آپ کے نام کر جاؤں، آئندہ آپ آؤ گے تو مجھے آسانی لگے گی کیونکہ آپ کے ذہن کی پریپیرنگ میں کر چکا ہوں گا، میدان بنا چکا ہوں گا کہ مجھے کیا کہنا تھا. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ چلتا ہے کہ بعض اوقات کام نہیں ہو سک رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں چلو نظر مان لیتے ہیں کام ہو جائے گا. میں نے جتنا لوگوں کو وزٹ کیا وہ ایسا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میرا وزٹ کیا بنتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو لوگوں کو جج کیا وہ یہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہو جائے اس لیے نظر مانتے ہیں. میری ماں ٹھیک ہو جائے گی تو ایسا کروں گا، بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ بچہ پاس ہوگا تو ایسا کروں گا. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ایسا کہنے سے، نظر مان لینے سے کام ہو جائے گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، حضور نے فرمایا نظر کسی خیر کو بھی نہیں لاتی. جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ میں نظر مانوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، کہ نہیں نظر ماننے سے نہیں ہونا، ہونا ہے تو ویسے ہی ہونا ہے، اللہ نے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے ویسے ہونا ہے، نظر کی وجہ سے نہیں ہونا. میں نظر مانتا ہوں کہ میں فلانی مصیبت سے بچ جاؤں، فیل ہونے سے بچ جاؤں. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نظر مانتی ہیں میں فیل ہونے سے جو کہتے ہیں نا میں پاس ہو جاؤں، تو مانا یہ ہوتا ہے کہ فیل ہونے سے بچ جاؤں. میں فیل ہونے سے بچ جاؤں تو میں ایک ککڑ دوں گی یا ایک مرغا دوں گا. یہ جو فیل ہونے سے بچ جاؤں یعنی کسی مصیبت سے بچنے کی نظر. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر تقدیر سے تمہیں بچا نہیں سکتی. تقدیر سے بچانے والی ایک شے ہے پر وہ نظر نہیں ہے، وہ کوئی اور شے ہے. تقدیر کا وار آ رہا ہے، بچنا چاہتے ہو، ایک شے ہے وہ آئندہ اگر یاد رہا تو بتاؤں گا. ہے شے، بلکہ دو چیزیں ہیں، دو حدیثیں یاد آ گئی مجھے، ہے چیز لیکن وہ نظر نہیں ہے. میں آپ کا وہ نظریہ جو آپ سوچتے ہو کہ نظر ماننے سے یہ کام ہو جائے گا، اس مصیبت سے بچ جاؤں گا، میرے حضور نے کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ مجھ سے کہے، حدیث کا تیسرا جملہ بتا دوں، اگر کوئی مجھ سے کہے علامہ صاحب میں نے تو ایک بار نظر مانی تھی، اے اللہ میری ماں اگر ٹھیک ہو گئی تو میں 15 روپے ڈالوں گا، ماں بھی ٹھیک ہو گئی تھی. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر بھی ویسا ہی ہوتی ہے، نظر بھی ویسا ہی ہوتی ہے، میچ ہو جاتا ہے. وہ چیز ہوتی ہے، یعنی ایمان سلامت رکھو کہ وہ نظر ماننے کی وجہ سے ماں ٹھیک نہیں ہوئی تھی، وہ اللہ کا حکم تھا ہی ایسے کہ 15 جنوری کو اس کی ماں کو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، وہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا ہی. یہ تو اللہ والوں اس نے بھی نظر مان لی، اے اللہ 15 تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا، میری ماں ٹھیک ہو جائے، وہ اللہ والوں میچنگ ہو گئی، وہ تکا لگ گیا، اتفاق ایسا ہو گیا. وہ نظر کی وجہ سے نہیں ہوا، اللہ کے کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. یہ تین حدیثوں کے جملے جو میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں، انہیں پورا ہفتہ آپ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ کچھ ابحاث ابھی باقی ہیں، وہ اگلی نشست میں ہم سیکھیں گے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل